थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में एक महिला से मंगलसूत्र स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। महिलाओं के साथ वारदातों को लेकर पुलिस न केवल चिंतित रहती है बल्कि अति संवेदनशीलता और अति गंभीरता के साथ काम करती है। इसी कारण इस घटना को चुनौती लेते हुए एडिशनल सीपी डीसीपी एडिशनल डीसीपी श्री राजेश व्यास के नेतृत्व में एसीपी श्री परियार साहब के साथ थाना द्वारकापुरी की टीम घटना के लिए लगाई गई थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते दो युवक एक मोटरसाइकिल पर मंगलसूत्र स्नैचिंग करते हुए दिख रहे थे। घटनास्थल से लेकर पुलिस के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज जहां जहां मिले उनको फॉलो किया और फॉलो करते करते 28 तारीख को सिमरौल थाना क्षेत्र तक पुलिस पहुंची और वहां पर जो संदेहियों के हुलिये दिख रहे थे उसके आधार पर आसपास से पूछताछ करते पता करते दो युवकों नीलेश और सागर गुप्ता को पुलिस ने लिया उठाया और उनसे घंटों तक पूछताछ की। पहले वो घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं होना बता रहे थे। पुलिस ने जो पुलिस के पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे उनके साथ उनकी लोकेशन के साथ जब उनको क्रॉस किया तो दोनों युवक टूट गए और उन्होंने 24 दिसंबर को थाना द्वारकापुरी में महिला के साथ मंगलसूत्र छीनने की घटना को स्वीकार किया। जिस मोटरसाइकिल से घटना की गई थी वह मोटरसाइकिल भी लगभग 3 माह पहले भमरकुआ थाना क्षेत्र से चोरी होना और उनके द्वारा चुराना बताया गया। चूंकि आरोपी पहले भी लूट के अपराधों में शामिल रहे हैं तो पश्चिम क्षेत्र पुराने समय के पश्चिम क्षेत्र के 3 थानों राजेंद्रनगर जूनी और भमरकुआ राजेंद्रनगर अन्नपूर्णा में 30 अक्टूबर को थाना राजेंद्रनगर में 4 दिसंबर को थाना जूनी में दिसंबर को भी की वारदात घटित हुई थी। जब इनसे उन घटनाओं के बारे में पूछताछ किया और इनकी लोकेशन निकाली गई तो इनकी लोकेशन घटना दिनांक को घटना स्थल के आसपास आई और इस लोकेशन के साथ जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अन्नपूर्णा राजेंद्र नगर और जूनी की घटना भी चैन स्नैचिंग करना स्वीकार किया। थाना राजेंद्र नगर की घटना में एक अन्य आरोपी रितेश भी शामिल था जो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर मेरे द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दो सातिर चैन स्नैचरों को पकड़कर उनके कब्जे से 4 चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले एसीपी श्री बृहस्पति सिंह परियार को प्रशंसा पत्र तथा थाना प्रभारी द्वारकापुरी और उनकी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। थाना प्रभारी और उनकी टीम के इनाम का आदेश जारी कर दिया है। थैंक यू।